हेलो एंड अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू टुडे आई हैव मेकिंग ऑनलाइन वीडियोस फॉर क्लास फोर मल्टीप्लीकेशन ऑफ लार्ज नंबर लेक्चर टू सो लेट स्टार्टेड इन आवर प्रीवियस क्लासेस हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा था बट यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्वेश्चन आपको वर्ड्स में दिए हुए इसको पहले आपको वर्ड्स को पहले नंबर्स में तब्दील करना है नंबर्स में लिखना है उसके बाद आपको तब जाके मल्टीप्लाई करना है सो so, पहला हमारा सी में बोल रहा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग एंड गिव द आंसर इन न्यूमेरिकल फॉर्म ठीक है तो टू हंड्रेड थर्टी टू बाई ट्वेंटी टू यानी कि टू हंड्रेड थर्टी टू को कितना से मल्टीप्लाई करना है तो ट्वेंटी टू से करना है चलिए हम आपको इसको बना बना कर बताते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है टू थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी टू इंटू ट्वेंटी टू ठीक है इसको पहले हम नोट कर लिए नंबर्स में दिन है उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू टू ज बच्चों टू टू ज़ा फोर टू थ्री ज़ा सिक्स टू टू ज़ा फोर अगेन जब हम सेकेंड डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एक छोड़ देते हैं टू टू ज़ा फोर टू थ्री ज़ा सिक्स एंड टू टू ज़ा फोर अब इसको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे फोर का फोर सिक्स फोर टेन कैरी वन सिक्स फ़ोर टेन कैरी वन एडिंग वन पहले तो सिक्स और टेंथ यहाँ पर जाएगा अलेवेंथ फिर कैडिंग वन हो जाएगा तो फोर्थ में फिर वन ऐड करेंगे तो हो जाएगा फाइव यानी कि फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड फोर आपको लिखना है ठीक है तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड फोर यानी कि जैसे कि वर्ड्स में दिया हुआ है तो वर्ड्स में आंसर लिखना है लेकिन पहले आपको इस तरीके से बनाना है उसके बाद सेकंड में बोल रहा है फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड टेन बाई अलेवन यानी कि चार हजार चार सौ ग्यारह को चार सौ दस को आपको मल्टीप्लाई करना है अलेवन से चलिए इसको नोट डाउन करते हैं कॉपी में बनाते हैं फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड टेन इंटू अलेवन ठीक है तो पहले इसको नंबर से मैंने लिखा तो वन ज़ीरो जो ज़ीरो वन वन जो वन वन फोर जा फोर वन फोर जा फोर अगेन वन ज़ीरो जा ज़ीरो वन वन जा वन वन फोर जा फोर वन फोर जा फोर उसके बाद हम करेंगे इसको ऐड ज़ीरो का जीरो वन का वन फोर और वन को ऐड करेंगे तो हो जाएगा फाइव फोर फोर एट एंड फोर तो ये हो जाएगा आपका फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड टेन बस इसी तरह आपको जैसे यहाँ वर्ड में लिखना है इसी तरह आपको फिर से इसको वर्ड में लिख के आपको आंसर को शॉर्ट करना है उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है बच्चों वन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी बाई ट्वेंटी टू यानी कि वन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी को एक हज़ार एक सौ बीस को हमको मल्टीप्लाई करना है ट्वेंटी टू से तो ये रहा 120 तो जीर तू 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 वन हंड्रेड ट्वेंटी बाई ट्वेंटी टू तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू जीरो जो जीरो टू टू ज फोर टू वन जू टू वन जॉ टू फिर सेकेंड में करेंगे सेकेंड टी से टू जीरो ज़ा ज़ीरो टू टू ज़ा फोर टू वन जो टू टू वन जो टू देन इसको हम फिर ऐड करेंगे ज़ीरो का ज़ीरो फोर का फोर फोर प्लस टू सिक्स टू प्लस टू तो हो जाएगा आपको फोर और ये हो जाएगा फिर यहाँ पे आपको टू यानी कि ट्वेंटी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी हो जाएगा आपका इसको आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और अगर इस तरीके से भी लिखेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा लेकिन जब वर्ड्स में दिया हुआ है प्रॉब्लम तो आपको वर्ड्स में ही आंसर लिखना है उसके बाद बच्चों यहाँ पे फिर बोल रहा है लेट अस प्रैक्टिस फिर से आपको प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पे जैसे कि मल्टीप्लिकेशन दी से टू डिजिट का वन डिजिट का होता है टू सेम वैसे ही थ्री डिजिट का मल्टीप्लीकेशन होता है ठीक है तो यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं आपको इसको फिर नोटबुक में बना कर बताऊँगी तो पहला है वन हंड्रेड टेल्व इन वन ट्वेंटी थ्री सो लेट स्टार्टेड इसको थ्री डिसट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो थ्री टू ज़ा सिक्स वॉर्ड्स दिखिएगा थ्री वन ज़ा थ्री थ्री वन ज़ा थ्री फिर टू से करेंगे सारे को टू टू ज़ा फोर टू वन ज़ा टू टू वन ज़ा टू हम एक एक जैसे करते जाएंगे ना लेवल वैसे ऐसे एक एक हम छोड़ छोड़ के यहाँ पर दिखेंगे ठीक है तो सेकेंड वाले मैंने एक यहाँ पर छोड़ा थर्ड वाले में भी हमें छोड़ना है वन टू जा उसके बाद आप चाहो तो आप यहाँ पे ज़ीरो डाल सकते हो ठीक है फिर यहाँ पे वन टू ज़ा टू तो यहाँ से नहीं लिखेंगे हम ठीक है हम लिखेंगे यहाँ से तो वन टू ज़ा टू वन वन जा वन एंड वन वन जा वन यहाँ पे आप चाहो तो दो ज़ीरो डाल सकते हो उसका जिसको हम ऐड करेंगे सिक्स का सिक्स और थ्री को तो जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा सेवन थ्री प्लस टू प्लस टू यानी कितना हो जाएगा बच्चों सेवन यहाँ पर हो जाएगा थ्री और यहाँ पर हो जाएगा वन जस्ट इसी तरह आपको ऐड करना है और ऐड करने वक्त ध्यान रखना है कि अगर वन डिजिट है तो यहाँ सेकेंड वाले के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हम छोड़ देंगे फिर थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम एक और छोड़ देंगे इसी तरह आपको छोड़ छोड़ के तब मल्टीप्लाई करना है फिर यहाँ पे आ जाइए आप वन टू ज़ा थ्री हंड्रेड ट्वेल्व इंटू थ्री ट्वेंटी वन ठीक है तो वन टू ज़ा टू वन वन ज़ा वन वन थ्री ज़ा थ्री फिर उसके बाद है आपको टू से करना है तो फिर हम यहाँ से नहीं करेंगे यहाँ से करेंगे ठीक है तो हो जाएगा टू टू ज फोर वंस जैसे कि वंस हुआ टेंस हुआ हंड्रेड हुआ ना उसी तरह आप वंस को वंस लाइन में किए से तो टेंस हमारा सेकंड में होता है तो टेंस से हम फिर यहाँ से करेंगे ठीक है टू टू ज फोर तो ये हमारा टेंस हुआ तो हम सेकेंड टेंस हमारा कहाँ होता है सेकेंड में होता है टू टू ज फोर फिर यहाँ पर हो जाएगा टू वन जा टू टू थ्री जा सिक्स फिर ये हमारा हो गया हंड्रेड वन टेंस हंड्रेड तो हंड्रेड को हम हंड्रेड वाले जगह से करेंगे ठीक है हंड्रेड हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है तो यानी कि सामने सामने करना है ठीक है तो पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे थ्री टू ज़ा सिक्स थ्री वन जा थ्री उसके बाद फिर है थ्री थ्री जा नाइन अब इसको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे ठीक है टू का टू फोर प्लस वन फाइव थ्री टू फाइव थ्री प्लस टू फाइव एंड फाइव एंड सिक्स एलेवन कैरी वन तो सिक्स और थ्री को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा नाइन तो फिर कैरी वन में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा टेन और फिर नाइन में वन कैरी तो हो जाएगा टेन ठीक है बच्चों इसी तरह आपको बता है कि वंस टेंस हंड्रेड इसमें भी आपको देखना है उसके हिसाब से आपको जगह छोड़नी है फिर आप यहाँ पे आ जाइए वन से हमारा टू तो टू टू ज़ा फोर को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे टू टू ज़ा फोर टू वन जा टू 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 ज़ा फोर फिर हमारा टेंथ है तो हम क्या करेंगे टेंथ से स्टार्ट करेंगे तो वन टू जा टू वन वन जा वन और फिर वन टू ज़ा टू फिर हम हंड्रेड हमारा वन है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ठीक है देखिए वन टू ज़ा टू वन वन ज़ वन एंड वन टू जर टू अब से क्या करेंगे हम एड कर देंगे सिंपल फोर का फोर टू प्लस टू स्कॉल टू फोर फोर प्लस वन और टू को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सेवन थ्री एंड टू इसी तरह आपको मल्टीप्लाई करना है सो so बच्चों ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करके ले आइए और बनाने की कोशिश के लिए कीजिए सो so, बच्चों आज के लिए बस इतना ही स्टे सेफ स्टे एट होम थैंक यू हैव नाइस डे